नमस्ते दोस्तों, आज हम एक और पॉडकास्ट के एपिसोड के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हो गए हैं। एक नए एपिसोड के साथ एक नए म्यूजिक डायरेक्टर की कहानी लेकर। तो मैं कह दूं कि इस म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में आज हम आलोचना करने जा रहे हैं। जी हाँ, ये जो म्यूजिक डायरेक्टर है ये है हमारे मशहूर रवि साहब, म्यूजिक डायरेक्टर रवि, जो बहुत मशहूर थे और उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे गीत हम लोगों को दिए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को हम लोगों का पॉडकास्ट का सफर बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों का ये प्रोत्साहन देखकर ही हम लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए ले जा रहे हैं। तो हमारा हौसला अफजाई इस तरीके से आप लोग बढ़ाते रहिए। डॉक्टर साहब, अब आप आगे बोलिए क्या उनके बारे में। आदर तस्लीम, रूमी जी को बहुत बहुत ही मैं आभारी हूँ कि बहुत ही जबरदस्त कंपोजर का जिक्र किया है उन्होंने, रविशंकर शर्मा साहब। रवि साहब का नाम आता है तो हर म्यूजिक लवर के दिल में गूंजता है गुरुदत्त साहब का वो फेमस गाना, चौधरी का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौधरी का चांद हो। आज हम गाने जा रहे हैं रविशंकर शर्मा जी का बहुत ही सक्सेसफुल गाना, ये फिल्म में ये पिक्चराइज किया गया है मनोज कुमार जी और साधना जी के ऊपर, दूर रहकर न करो बात करीब आ जाओ। मैं लाइन देता हूँ रूमी जी को, उससे पहले एक छोटी सी बताना है कि उनके साथ ज्यादातर ये नजम ये शायरी किया है साहिर लुधियानवी साहब, और रोमांस भी यहाँ इतना बेहतरीन रोमांस है कि मतलब कोई भी इंसान के दिल में ये सारे गाने बजते हैं, वो मतलब जो गा भी नहीं सकते वो गुनगुना सकते हैं, दूर रहकर न करो बात कब करीब आ जाओ, दिल की बात ही किया है साहिर लुधियानवी साहब, और उसमें अच्छे से वो जवानी दी है रविशंकर शर्मा जी। और रवि जी में एक खासियत थी कि वो आशा भोसले जी को उन्होंने काफी इस्तेमाल किया है अपने गीतों में, और महेंद्र कपूर जी को, क्योंकि महेंद्र कपूर जी का एक अलग ही रेंज था, उनको वो बेखूबी बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने फिल्मों में उनका इस्तेमाल किया था। आज बस में नहीं जज़्बा